हाँ सर प्लानिंग से करना पड़ेगा, बिना उसके तो एक एक कोई सी पोटली निकाल दो, फट रही है जाएगी। देखो छोटी वाली, छोटी वाली निकाल दो, ये फट रही है देखना। वो दे दो, बंद क्यों हो गया पता नहीं, मतलब वहां से कंट्रोल पे से बंद बता रहे हैं। नहीं तो कब तक मिला आपको राशन? मिला ही नहीं हमको। नहीं कब तक, आखिरी बार कब मिला? बीपीएल के इतना ही है सर। बेटा मास्क लगा लो, मतलब साल भर ये सब बीपीएल के इतना ही है ना। तो सर बीपीएल के इतना ही है? नहीं तो ये कह रहे हैं तो राशन नहीं मिल रहा है, तो राशन नहीं मिल रहा है तब भी आपको आदित्य पंक्ति तो रुकी आपकी, आपने अप्लाई किया होगा? अप्लाई क्या करा तो मतलब मेरा भाई है। एक बताइए कौन सी संस्था द्वारा यहाँ पे दिया गया और क्या दिया गया यहाँ पे आज? जनसा संस्था द्वारा ये जो खाटू श्याम मंदिर है उसके पीछे का एक एरिया है अमृत नगर, तो आज कलेक्टर सर और एडीएम सर सूर्यवंशी जी के साथ में मिलकर के यहाँ पर हमने राशन वितरण का काम चालू किया है, जिसमें 20 किलो आटा, 10 किलो चावल, सैनिटरी पैड, हैंड वॉश करने के लिए 4 साबुन, 250 ग्राम चाय की पत्ती, एक नमक की थैली और 1 किलो तेल का पाउच जो गरीब परिवार है उनको जनसहा संस्था की ओर से दिया गया है। तो उसमें हमारे जो टीम के साथी हैं जयपाल देवड़ा, हमारे वाहन चालक विक्रम अटाड़िया, जितेंद्र सुनारतिया, राजेश दोषी जी, उन सबका बड़ा सहयोग रहा है और जिला प्रशासन काफ़ी सपोर्टिव रोल में है। वो खुद यहाँ पर आए और डीएम सर ने अपने हाथों से एक परिवार को यहाँ पर अभी राशन वितरण किया है। और इससे पहले इससे पूर्व में जो अपेक्स हॉस्पिटल है उसके पीछे जो झुग्गी झोंपड़ियाँ थी वहाँ पर एक परिवार छुटा हुआ था, वहाँ पर ही उनको राशन दिया है। क्या नाम है आपका? और अब मेरा नाम करण राठौर है और इस मोहल्ले में जो बाकी लोग छूटे हुए हैं जो राशन से वंचित थे उनकी एक हम सूची बनाएंगे और सूची बना करके जिला प्रशासन के साथ शेयर करेंगे, और जिन परिवारों के साथ पास में गरीबी रेखा का राशन कार्ड नहीं है उनको जनसा संस्था की तरफ से यहाँ पर राशन उपलब्ध कराया जाएगा, और जो जिन परिवारों को राशन उपलब्ध करवाया जाएगा वो सूची पुलिस विभाग में और नगर निगम में हमारे द्वारा सबमिट भी की जाएगी।